अभी क्या है ना, जितने यूट्यूबर्स होते हैं उनको ना पैसा पकड़ा देते हैं, लो भाई 30,000 रुपये पकड़ो, मेरे बुक के बारे में बोल दो, सारे यूट्यूबर आके बोले दिस इज द बेस्ट बुक, मैंने रिसर्च करी है ना, मैंने ध्यान से देखा, हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहीं से उठ के आते हैं, ये सब ना बेवकूफ बनाने वाले काम होते हैं, तो इसके पीछे मत फंसना, ठीक है। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञान निकिडा में। तो जैसे कि आपको पता है CBSE ने टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का सिलेबस को अनाउंस कर दिया है, और उसको सुनने के बाद तो पूरे यूट्यूब में हाहाकार मचा हुआ है। कहते हैं ना, पहले जब से सिलेबस नहीं आया था ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों बड़े शांत बैठे थे, बच्चों को ये नहीं पता कि क्या पढ़े, सभी पढ़ रहे थे, हर चीज़ पढ़ रहे, सारे टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना, और टीचर को ये नहीं पता, टीचर को इतना तो पता था कुछ ना कुछ कम होगा, पर क्या कम होगा ये भी नहीं पता चल रहा था, है ना, कौन कौन चैप्टर आएंगे कौन कौन चैप्टर नहीं आएंगे कुछ नहीं पता चल रहा था, तो यूट्यूब में सब शांत पड़े हुए थे और ट्यूशन वगैरह में। लेकिन अब जब से देख रहा हूँ मैं यूट्यूब में, मैंने ओपन किया, सुबह से ही हल्ला मचा हुआ है कि नहीं, और टीचर भी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा CBSE ने कर दिया है। वाकई में पहले पूरी बुक आती थी, है ना, और वहाँ पर क्या काफ़ी हौच पौच होता था, कुछ पता नहीं चलता था कि कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना, और अभी तक कुछ भी ऐसा कन्फर्म नहीं था, बट अभी क्या सारा कन्फर्म हो चुका है, बच्चे तो सुबह से नाच रहे, कोई हिप हॉप कर रहा होगा, कोई डिंगा चिका कर रहा होगा, कुछ इस तरह का हाल जो है वो सभी का चल रहा होगा। तो क्या आप भी इसी तरीके से एंजॉय किया आप लोगों ने भी सुबह से, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो और बता दूं मैं आपको क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरा जो टर्म फर्स्ट का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि NCERT में से आपको क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या नहीं पढ़ना, मेन चीज़ ये है, बच्चों को लास्ट तक प्रॉब्लम ये रहती है क्या क्या चीज़ डिलीट हुआ, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको कि ये एक्सरसाइज नहीं पढ़नी, ये एक्सरसाइज नहीं पढ़नी, ये वाला एक्सरसाइज पढ़नी, ये वाला एक्सरसाइज पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद कहाँ से पढ़े, किस बुक को हमें प्रीफर करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको पता सारा MCQ आने वाला, तो कौन कौन सी बुक को आपको पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या चीज आपको नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना सबको पता क्या करना है, लेकिन क्या चीज नहीं करना है, किससे बचना है, ये भी आपको मैं बताऊंगा, कौन कौन सी किताब सबसे इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, ये सारे पता चलेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना विदाउट स्किप के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है अब नया सिलेबस आ चुका है, अब मुझे भी कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई क्या पढ़ाना था, अभी तक नहीं पता चला था कि क्या पढ़ाऊं मैं, है कि नहीं, इतना पता था कुछ ना कुछ डिलीट होगा, इसलिए मैंने ज्ञानिकीडा में जो है इस साल 10th की वीडियो ज्यादा नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता था कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो अब कंफर्म हो गया कि क्या क्या आने वाला है, इसलिए अब डेली वीडियोस यहां पर आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, इसलिए चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब रखें। कोई भी डाउट आता है आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ क्लास 10 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में हजारों बच्चे हैं हमारे पास, वहां पर हम डेली टास्क सेंड कर रहे हैं, अपडेट कोई भी कुछ बताना हो, PDF वगैरह मटेरियल सब सेंड कर टेलीग्राम पे, और ज्ञानिकीडा का खुद का एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर में, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारा सारा सैंपल पेपर, लास्ट 10 क्वेश्चन पेपर, सारा मटेरियल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है। तो कुछ काम की बातें थी, चलिए अब फटाफट से, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना, मैं भी जब से सुबह से मैंने सिलेबस सुना ना, एक एनर्जी सी आ गई है अंदर ना, कि बहुत मजा सा आ रहा है, कि मतलब वाह यार, केवल इतने चैप्टर कराने हैं, फटाफट से इतना करा दिया बच्चों को, और मतलब पता चल गया एटलीस्ट कराना क्या है, जब लाइफ में पता हो ना कि गोल क्या हो, करना क्या है, तो बहुत ईजी हो जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही जो गोल था इस साल का वो पता चल गया हमें भी और आपको भी, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, ताकि कोई भी वीडियो है आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट टर्म का सिलेबस आपके स्क्रीन के ऊपर, कि जो मार्क्स का डिवीजन है, किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो फर्स्ट टर्म आपका पास है वो सारा सारा MCQ होने वाला है, ठीक है। अब MCQ होने वाला कितने मार्क्स का हमारे पास हो गए, हमारे पास यहाँ पर जो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, कितने मार्क्स आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है, 40 मार्क्स वो है जो आप एग्जाम में देख के आओगे, और 40 मार्क्स किसके पास है, आपके टीचर के हाथ में होने वाला है। इसलिए टीचर से बिल्कुल शैतानी, बिल्कुल तमीज से काम आना है कि नहीं, टीचर की सारी बातों को मानना है, पंगा नहीं लेना उनके, मतलब उनसे ना एक अच्छी कंडीशन बना के रखनी, क्योंकि उनके पास क्या है, 10 नंबर उनके पास हमारे पास होंगे, और बाकी 40 नंबर टोटल जो है वो आपके हाथ में होंगे, आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको 40 में से मार्क्स मिलेंगे, और बाकी 10 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होने वाले हैं। और 90 मिनट्स का आपका ये पेपर रहने वाला, पहला जो फर्स्ट टर्म होगा, और फर्स्ट टर्म कब होगा ये उम्मीद है शायद कि नवंबर या दिसंबर के बीच में, नवंबर या फिर दिसंबर में आपका पहला टर्म होने वाला है, केवल 90 मिनट का होगा, सारे क्वेश्चंस MCQs होंगे, और 50 मार्क्स का ये होगा, 40 मार्क्स आपके हाथ में और 10 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो यूनिट है उसका नाम है नंबर सिस्टम, क्या नाम है, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आपके 6 मार्क्स निकल के आएंगे, कितने, 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम का वेटेज रहेगा। उसके बाद हमारे पास एलजेब्रा, एलजेब्रा जो है 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स है ना टोटल कवर होगा, ज्योमेट्री में 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स, मेंसुरेशन में 4 मार्क्स और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में जो आपके 3 मार्क्स कवर होंगे। अरे वाह, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी केवल और केवल आपके 3 मार्क्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। ठीक है, पहली बात नहीं समझ में आ गई आपको क्या करना है। ये जो है डिवीजन है आपका 40 मार्क्स का, 6 मार्क्स, 10, 6, 6, 5, 4, 3, टोटल कितना हो गया, टोटल आ गया आपका कितना 40 मार्क्स निकल के आ गया और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, तो कुल मिला के जो है 50 मार्क्स का आपका पहला एग्जाम होने वाला है। इतना क्लियर हो गया। अब समझ सके नंबर सिस्टम, कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है और उस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना, मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी, वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये रहा सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर। तो पहला हमारे पास यूनिट है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में जो है आपका पहला चैप्टर कवर होगा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो आपको पता है कि रियल नंबर पे क्या कहता है हमारे पास जो डिलीट हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था जिसमें कवर होता है एक्सरसाइज 1.1, तो आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है वो नहीं करनी। आपको कौन कौन सा करना है, एक्सरसाइज 1.2 करना है, एक्सरसाइज 1.3 करना है। क्यों, एक्सरसाइज 1.2 डिपेंड करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो सेकंड एक्सरसाइज करनी है, और दूसरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये कवर होता है एक्सरसाइज 1.3। तो 1.2 आपको करना है, 1.3 आपको करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बिल्कुल नहीं करना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने। ठीक है, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं, 1.2 और 1.3 के ऊपर पूरा ध्यान देना आपको, और सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनने वाले यहां से। तो पूरे इसमें सबसे अच्छी बात करना आपका सिर्फ एमसीक्यू आने वाला, और एमसीक्यू होता है ना तो यहां पर एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। अच्छाई क्या है आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, बुराई क्या आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीज आपको डिस्कस करेंगे लास्ट में, अभी खत्म करते हैं। दूसरा यूनिट हमारे पास एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर दो चैप्टर हमारे पास हैं, दो ही है ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ दो चैप्टर एलजेब्रा में, कौन कौन से, एक तो पॉलीनोमियल चैप्टर नंबर 2 और तीसरा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ये दो चैप्टर कवर होंगे इसमें एलजेब्रा में, एलजेब्रा में ये दो चैप्टर आपके कवर होने वाले हैं। और आपको तो एलजेब्रा कितने मार्क्स के आ रहे हैं, एलजेब्रा आ रहा 10 मार्क्स का, इसका मतलब यहाँ पर जो है 10 मार्क्स का कंप्लीट होगा एलजेब्रा। तो पॉलीनोमियल के क्वेश्चन होंगे उसमें, और हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। आप क्या क्या पढ़ना, सुनो ध्यान से, आपको पॉलीनोमियल जो डिलीट हुआ है वो सुन लो, वो हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो डिलीट हो चुका है। आपको डिवाइड करने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको केवल क्या करना है, आपको करना केवल 2.1 एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है और 2.2 के ऊपर ध्यान देना है। 2.2 में क्या है कि कैसे जीरोज निकालते हैं, जीरोज और कॉफिशियंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, बस आपको जो है यही चीज ध्यान देना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ओनली और जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, कैसे जीरोज निकालते हैं, बस आपको इन दो चीज पे ध्यान देना है। तो आपको 2.3 जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल यहां पर नहीं करनी है, केवल 2.1 पे ध्यान देना है और 2.2 पे ध्यान देना है। देखो कितना कुछ, मतलब मेरे को तो बहुत, मतलब एक एनर्जी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज ही सारा पढ़ा दो बच्चों को, क्योंकि केवल 7-8 चैप्टर तो आ रहे हैं, पूरी बुक का टेंशन खत्म हो गया। अब ये चैप्टर करना है उस पर भी एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में इतना फायदा होता है क्या बताओ, मतलब ये तो नहीं खाली छोड़ तो नहीं आओगे ना, पहले क्या होता था कि क्वेश्चन नहीं आता खाली छोड़ के आ गए, अब टुक्का पेल सकते हैं और टुक्का लक अच्छा हो, जय माता दी टिक, जय माता टिक। और सबसे अच्छी बात, नेगेटिव मार्किंग यहां पर है नहीं, तो गलत हो गया तो गलत करा जाएगा, माइनस तो नहीं होगा ना, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वहां पर बच्चा ना अगर नहीं आता छोड़ के आता है, पर आप तो छोड़ के नहीं आओगे, आप तो टिक करके आओगे, और अब तो इशारों में भी काम चल जाएगा, ऐसे ओ भाई थर्ड का बता, उनने बोला ऐसे सेकंड 2 ओका थर्ड का 2 टिक करा कितना इजी जगह है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें डिलीट क्या हुआ, इसमें सिर्फ डिलीट हुआ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एलजेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भी है, एलजेब्रिकल मेथड 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है ना वो अब हमारे बीच में नहीं रहा, तो उसकी श्रद्धांजलि के लिए हम थोड़ा मौन रहेंगे 2 मिनट के लिए, तो ठीक है वो टॉपिक हमारे बीच में नहीं रहा, बाकी सारा का सारा आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो केवल जो एक्सरसाइज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली 3.5 वाली है, जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वो हमारे बीच में अब नहीं रहा, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कितने मार्क्स का आ रहा है, 6 मार्क्स का आपका निकल के आएगा। अरे वाह, ये स्कोरिंग यार, केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7 चैप्टर है वो आपका 6 मार्क्स कवर करेगा, कितना आएगा और मुझे लूट लो भाई, 6 मार्क्स का आएंगे चैप्टर नंबर 7। क्या क्या हमारे पास में करना है, आपको इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, कि कैसे अगर 3 वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम लोग एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, है कि नहीं, तो वो वाली एक्सरसाइज जो है आपका 7.3 अब हमारे बीच में नहीं रहा, इसको हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना बिल्कुल ही। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला और आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है आप क्लास 11 में पढ़ोगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, जिसमें जो फॉर्मूला होता है x = m2 x + m1 x2 /
कौन-कौन है M1 plus M2, ये वाला जो सेक्शन फॉर्मूला आपको केवल ये पढ़ना है, दो एक्सरसाइज 7.1 पढ़नी है और 7.2 पढ़ना, बाकी 7.3 नहीं पढ़ना, काफी इजी हो चुका। और यहाँ से 6 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने वाला, तो मैं पर्सनली कहूंगा चैप्टर नंबर 7 को मतलब कहता दो एक्सरसाइज यार कर लो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यूनिट जो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपका जो है 6 मार्क्स का ही निकल के आएगा। ज्योमेट्री कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। अब इसके अंदर चैप्टर कवर होते हैं वो आपका कवर होने वाला केवल एक चैप्टर, ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर कवर होने वाला है। तो मैं तो दोनों में देखो कितना बड़े स्केल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 या 6 मार्क्स का दे दिया, और ट्रायंगल इतना बड़ा वो भी 6 मार्क्स का ही है कि नहीं। तो ट्रायंगल्स में क्या है, ट्रायंगल्स में आपको बता दूं केवल आपको दो थ्योरम के प्रूफ याद करने हैं, कौन कौन से याद नहीं करने, समझना दो प्रूफ कौन कौन से, एक तो आपको बीपीटी थ्योरम करने हैं और आपको करना पाइथागोरस थ्योरम, तो केवल ये दो थ्योरम के ही आपको प्रूफ जो है वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। और बाकी आपके क्या है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको पता है क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा डिलीट इसमें हुआ नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, मान के चलो सारा का सारा चैप्टर आपको करना है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको इसमें करना है पड़ेगा, कुछ भी डिलीट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, आपको पूछ सकता है कभी ना कभी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये कौन सा थ्योरम क्या था, कि मान लो इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो कौन सा थ्योरम है, ये बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, या फिर ये थ्योरम, तो आपको टिक करना, तो स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, है कि नहीं आपको। तो इसका मतलब कि आपको चैप्टर 6 में सारा का सारा पढ़ना, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको छोड़ना, ठीक है। कोई भी मन धड़क कहानियां बनाए उसकी मत सुनना, पूरा का पूरा चैप्टर 6 आपको एज इट इज पढ़ना है, क्या करना है, एज इट इज आपको चैप्टर 6 पढ़ना है पूरा ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो मैं तो कहूं जो है क्या कहते हैं, अच्छा है इतना बड़ा चैप्टर 6 मार्क्स का घाटे का सौदा है ना, इससे बड़े तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना चैप्टर 7। उसके जाते हैं हमारे चहेती ट्रिग्नोमेट्री, जिसको सबसे डर लगता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास आ रही है कितनी, 5 मार्क्स की आ रही है, केवल 5 मार्क्स की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चाची रहने वाली है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको क्या डिलीट हुआ, पहले वो बता दूं आपको, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना, कि साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 10 और sec 10 और cot कॉम्प्लीमेंट्री होता है, sec cos है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो आपको ये एक्सरसाइज जो है 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल जो है वो नहीं पढ़ना, ठीक है। 8.3 डिलीट हो गया, बाकी सारा एज इट इज आपको उठा के सारा का सारा वैसा का वैसा ही पढ़ना है, और आपका यहाँ पर कवर होने वाला है 5 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री में। अभी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करना है, एमसीक्यूज कैसे पकड़ना है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सारी बात बताऊंगा, बस बने रहो, ध्यान से सुनते चलो, ठीक है, सारा वही करना है। अब नेक्स्ट जो यूनिट आते हैं उसे आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कवर होने वाला चैप्टर नंबर कौन सा, ये चैप्टर नंबर आपका 12 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास कौन सा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और यहां पर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, यहां पर आपका आ रहा है 4 मार्क्स का कवर होने वाला, कितने मार्क्स का, आपका 4 मार्क्स का जो है यहाँ पर कवर होने वाला है, कितने मार्क्स का, कोई 4 मार्क्स का, ठीक है। बड़ा चैप्टर से यार घाटा है भी, तो उसमें क्या डिलीट हुआ है आपको पता है, इसमें ना वैसे कुछ डिलीट नहीं हुआ, मान के चलो सारा का सारा आपको पढ़ना है, लेकिन जब भी हम लोग, जब भी हमारे पास ना सेंट्रल जो एंगल बनता है इस तरीके से ना, यहाँ पर सेक्टर पे या फिर क्या कहते हैं सेगमेंट पे, तो यहाँ पर ना 3 एंगल बनते हैं, 60 बनता है, 45 बनता है, 90 बनता है, एक आता है 120 डिग्री, तो वो 120 डिग्री वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी आपको 60 डिग्री वाला पढ़ना है, 90 डिग्री वाला पढ़ना है, और बाकी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, केवल 120 डिग्री जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये आपका मेरे ख्याल से 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 है, 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 है शायद जो डिलीट हुआ है, 120 उसमें एंगल बनता है बीच में, बाकी एज इट इज पूरा पूरा चैप्टर वही है, तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी कोई भी घोटाला नहीं करना है, पूरा चैप्टर को बिल्कुल धमाकेदार तरीके से वैसे ही पढ़ना है। नाउ लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, क्या है यूनिट, ये स्टैटिस्टिक नहीं आ रहा, केवल प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 15 है ये, कौन सा है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आपको पता खेल खेल का गया कितना आ रहा, 3 मार्क्स का, तो प्रोबेबिलिटी से केवल 3 मार्क्स का रहा, प्रोबेबिलिटी कुछ होता नहीं है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, मतलब वो खुद कितने टोटल टोटल मार्क्स, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, तो एक ही फॉर्मूले से पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी कवर करती है आपका 3 मार्क्स, और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एज इट इज प्रोबेबिलिटी में सारा आउट के आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो ये हमारे पास कुछ डिवीजन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीजन कैसे कैसे हुआ है, और आपको यहाँ पर देखो साफ सी बात है कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। जैसे देखो प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या है ना, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है आपको, प्रोबेबिलिटी में कोई मेहनत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, तो एक प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो समझाता हूँ मैं आपको, देखो नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम में आपका कवर होने वाला पहला चैप्टर ये है ना, नंबर सिस्टम क्या करना है, केवल एक चैप्टर करो रियल नंबर्स, और उसमें भी केवल 2 एक्सरसाइज है हमारे पास, आपका यूनिट्स तो डिवाइड डिलीट हो ही चुका है, तो बचा नंबर सिस्टम आपको, तो चैप्टर नंबर 1 जो सबसे अच्छे से करना है, चैप्टर 1 आप अच्छे से कर लो, और आपको बता जो इजी है, चैप्टर में 6 हो गया, मतलब ये चैप्टर में 7 जो हो गया, जो 6 मार्क्स का आ रहा है, यहाँ भी 6 मार्क्स का आएगा, ये भी 6 मार्क्स का निकल के आएगा आपका, ठीक है, और आपका प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो बहुत ही आसान आसान चैप्टर है पहले उन्हें बहुत अच्छे से कर लो, और फिर जो मुश्किल चैप्टर उसे फिर हम धीरे धीरे यहाँ पर खत्म कर लेंगे, और टेंशन मत करो, सारा का सारा जो सिलेबस है वो ज्ञान की डगर प्लेटफॉर्म पे अब अपलोड होने वाला बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आप जो 10 मार्क्स जो है
अब आपके जो 10 मार्क्स जो है वो टीचर के हाथ में, और ये 10 मार्क्स कैसे होंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं जो आपके यूट्यूब वगैरह होते हैं उसके 3 मार्क्स है ना, और जो असाइनमेंट वगैरह होता है, पोर्टफोलियो होते हैं, और जो भी मतलब जो टीचर के हाथ में जो भी होता है ना कि कॉपी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए है ना, तुम्हारा बिहेवियर हो गया, तुम्हारे कॉपी के मार्क्स हो गए है ना, तुम्हारा यूटी हो गया, ये सारा मिला के जो है 10 मार्क्स का आपके टीचर के हाथ में रहेंगे। 40 मार्क्स आपके हाथ में वो आपकी मुट्ठी में, बाकी 10 मार्क्स जो है वो टीचर के हाथ में, और जो चीज दूसरों के हाथ में है ना उसमें बड़े तमीज से पेश आना चाहिए। अपने हाथ में जो है उसके तो हम खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन जो सामने वाले के हाथ में तो वहां पर ध्यान रखना है कि टीचर के साथ बिल्कुल पंगा नहीं लेना आपको, क्या करना है टीचर के साथ बिल्कुल पंगा नहीं लेना है, और बाकी 40 मार्क्स आपके हाथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब ध्यान सुनो हमें करना क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ना क्या है। अब जो है अपना एनसीईआरटी, आपको पता है सीबीएसई हर बार ना दो किताब को प्रीफर करते कि आपको ये दो किताब ही पढ़ने हैं, हर बार सिलेबस आता है ना दो किताब के बारे में जरूर मेंशन होता है, वो दो किताब कौन कौन सी है, वो आपकी एक है एनसीईआरटी। कुछ भी आए चाहे कितना भी सिलेबस बदले, कैसा भी पैटर्न बदले, चाहे एमसीक्यूज आए, चाहे सब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव आए, या फिर केस स्टडी में कुछ भी निकल के, पहली चीज एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़नी। एनसीईआरटी का मतलब क्या, मेन कॉन्सेप्ट, सारा सा ज्ञान जो सीखते हो आप कहते ना वो आपकी क्या एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है, और केवल एनसीईआरटी नहीं करनी, एनसीईआरटी अच्छे से होने के बाद फिर एक और बुक आती है, वो आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। बहुत कम बच्चों को उसके बारे में पता होता है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल। किन किन बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बारे में पता मुझे डिस्क्रिप्शन जरूर बताना, सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस किस बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बारे में पता है। तो हमारे पास दो बुक हमारे पास करनी, कौन कौन सी करनी है, एक हमारे पास करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम करनी है, और हमारे पास क्या करनी है, एक एनसीईआरटी करनी है। लेबोरेटरी के लिए दूसरी बुक दे रखी है, यहां पर बात नहीं करूंगा लेबोरेटरी की, हमें दो बुक को ध्यान देखने हैं जब हम ये 40 मार्क्स की बात कर रहा हूं। उसमें कौन कौन सी, एक आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो है कहां से करें, अब आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सॉल्यूशन वगैरह नहीं होते, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, और बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से मल्टीपल जो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा मिल जाता है उसमें, ठीक है। भले ही आपका एमसीक्यूज में, ध्यान रखना भले ही एमसीक्यूज में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ दो, कैसा एमसीक्यूज है ये क्या करें, अरे एमसीक्यू वहीं से तो बनेंगे, वो क्वेश्चन वही आएगा, बस 4 ऑप्शन होंगे, पहले सॉल्व करना पड़ता था, अब आपके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन करना तो वही है ना। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं मैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर रिवाइज सिलेबस के हिसाब से मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर रखा है, सारे हर चैप्टर के आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल की वीडियोज मिल जाएगी, आप सिर्फ सर्च करो एनसीईआरटी एग्जाम्पल बाय ज्ञानी गेट, आपको मैं चमकता हूं मिल जाऊंगा, सारे वीडियो चैप्टर वाइज मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल डाल रखे, बस आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप वहां से पीडीएफ देख सकते हो उसकी, या फिर जो है टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और बाकी इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि रिवाइज सिलेबस के साथ है वो मैंने करा रखा है, वो मैंने सच में यकीन मानो करा रखा है। बहुत बच्चे डेली कमेंट आते हैं, बहुत बच्चे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। तो आपको बुक्स कौन सी प्रीफर करनी है, एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये होने के बाद फिर हम लोग आरडी शर्मा या ओसवाल आर्यन इनमें जा सकते हैं, पर ये होने के बाद, ये होने के बाद। और एक और बात सर, एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक सही होगी, देखो अभी जो है ना, अभी एक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आएगी, अपने यहाँ पर क्या ना एमसीक्यू आने वाले हैं। अब पता है जो जितने भी पब्लिकेशन वगैरह होते हैं ना, देखो आजकल क्या करना, कोई क्वेश्चन बना नहीं रहा, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे लोग ना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, मतलब क्या यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा, डाल दिया आपको, बना दिया एमसीक्यूज। और आपको पता है आपको केवल वो बुक लेनी है, आपको केवल वो बुक पढ़नी है जो कि क्या कहते हैं सीबीएसई जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हो। अब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एमसीक्यूज होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना उसमें भी एमसीक्यूज होते हैं, पॉलिनोमियल से, रियल नंबर से, इनके चैप्टर के भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। अब बुक्स वाले क्या करेंगे ना, वहां से क्वेश्चन उठा उठा डाल देंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, समझो क्या कह रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी पब्लिकेशन वालों के साथ, क्योंकि आपको 10th में जितने भी ओलंपियाड, फाउंडेशन, एनटीएससी, जितने भी तमाम एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, इन्हीं चैप्टर में से ना क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं चैप्टर में से जो है कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल वही बुक प्रीफर करनी है जिसमें जो है सीबीएसई बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस अरेंज किए गए हो। ऐसा नहीं कुछ भी उठाए कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम उठा के एसएससी का या वहां से उठा के डाल दिया और बुक बना के दे दी और बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। टेंशन मत लो, अभी जैसे जैसे बुक के सारे पब्लिकेशन बुक अपने पब्लिश कर देगी ना, तो मैं सारे बुक को रीड कर लूंगा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बुक्स होगी सीबीएसई से रिलेटेड होगी वो मैं आपको प्रीफर कर दूंगा, बताऊंगा जरूर, टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताने वाला हूं। इसलिए बुक अभी परचेस मत करना, पहले सबकी बुक्स आ जाने दो, ठीक है, और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक लेनी है। अभी कहना जितने यूट्यूबर्स होते हैं उनको ना पैसा पकड़ा देते हैं, लो भाई 30,000 रुपए पकड़ो मेरे बुक के बारे में बोल दो, सारे यूट्यूबर आके बोले दिस इज द बेस्ट बुक, मैंने रिसर्च करी है ना, मैंने ध्यान से देखा, हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहीं से उठ के आते हैं, ये सब ना बेवकूफ बनाने वाले काम होते हैं। तो इसके पीछे मत
पढ़ना, ठीक है। बहुत यूट्यूबर से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सारे यही कर रहे हैं, उनको मोटा पैसा मिल जाता है और बोलते हैं कि हमने रिसर्च करके निकाला, रिसर्च नहीं वो पैसा मिलता है ना, रिसर्च कोई नहीं करता इसके ऊपर, उनको पैसा मिलता है तो वो क्या रहे बता देते हैं। लेकिन जब सारी मार्केट में बुक आ जाएगी तो उनको देखने के बाद जो मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगेगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो आप उससे स्टडी कर सकते हो। तो क्योंकि कंप्यूटर लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे ना हम लोग, हमें बोर्ड देना है और वो कंप्यूटर एग्जाम के लेवल को क्वेश्चन एमसीक्यूज हमें नहीं कर रहे सॉल्व, क्योंकि वो फिर बोर्ड में नहीं आएंगे। हमें लगे हमने इतने बड़े बड़े हैवी क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी लेवल के, हम नहीं कर पाए। तो आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम करना है, ये हो जाने के बाद उसके बाद फिर आप जो है आगे की बुक में ध्यान दे सकते हो। और आपको जो एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में होगा, जो अभी अगस्त है, पूरा अगस्त है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, मान के जो 3 महीने मोटा मोटा आपके पास पूरे पूरे हैं, और 3 महीने में यकीन मानो 7 चैप्टर बड़े आराम से हो जाएंगे। मैं एक नई सीरीज लॉन्च करने वाला बहुत जल्द ज्ञान एकेडमी प्लेटफॉर्म में, सारा सिलेबस जो है उसमें कवर करूंगा। और एमसीक्यूज भी जो है टेंशन मतलब 50+ एमसीक्यूज फ्रॉम आरडी शर्मा या और अलग से मैं निकाल के आपके लिए सीरीज लेकर आऊंगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों के जरूर लेके आऊंगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको ये चीज गड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है, अभी कोई सी बुक उठा के एकदम से नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात क्या है, मैंने फिर से बोला एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान से करना, भले एमसीक्यू जा रहे पर एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। जब तक एनसीईआरटी नहीं हो जाए यहाँ वह मत भटकना, यहाँ वह नहीं भटकना, किसी और की बात मत सुनो। एनसीईआरटी जितने भी टॉपर्स होते हैं उनसे पूछना, एनसीईआरटी वो लोग करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको एक लगभग से ना डेली प्रैक्टिकल को चाहिए, तो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, जिन बच्चों को पता नहीं है मैं उनको बता दूँ, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में डेली पाँच से छः लाइव सेशन कर रहा हूँ। अब तो नया सिलेबस आ गया, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर, और साथ ही साथ डेली हम लोग वहाँ पर एमसीक्यूज करते हैं। अनअकैडमी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे मेंटी होता है वैसे यहाँ पर पोल्स लगा सकते हैं, और जो टॉप 10 बच्चे होते हैं उनकी ना पूरी लिस्ट आती है कि फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, तो यहां से ना काफी अच्छी तैयारी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, लाइव है डेली और मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो आप जो है डेली वहां पर 5 से 6 अनअकैडमी में आ सकते हो। अनअकैडमी आने के बाद जो बच्चे नए हैं उन्हें ध्यान रखना कि जो मेरा रेफरल कोड है DB10 इसको डालना ना भूले, क्योंकि जो स्पेशल क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको ये कोड डालना पड़ेगा DB10, तो मेरी जितनी भी क्लासेस है फ्री क्लासेस वो अनलॉक हो जाएंगी। डेली फ्री पढ़ा रहा हूं 5 से 6 अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, तो आप आइए, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पर हम लगाने वाले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप मुझे और फॉलो कीजिए और डेली 5 से 6 आना ना भूले। और ये ध्यान रखना DB10 मेरे वहां पर कोर्स वगैरह भी है, अगर आपको कोर्स परचेस करना, इन केस परचेस करना है, तो वहां पर अगर आप DB10 डालोगे तो आपको DB10 डालोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में, ये रेफरल कोड अगर आप डालते हो तो। लेकिन कोड डालना ना भूलें, तो बहुत मजा आता है नकड़ी, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो अब तो नया सिलेबस भी आ गया, तो मतलब कहता है ना डेली एक लाइव का अलग ही मजा होता है, ट्यूशन वाला माहौल मिलता है। तो 5 से 6 आइए नकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, सारे एमसीक्यूज करेंगे, सैंपल पर्स करेंगे, पूरे साल में आपके साथ बना रहूंगा, और ज्ञानी कीड़ा में तो हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो यही सारी कहानी थी, आप बताना कि कितना समझ में आया आपको सारी चीजें, और आपको कैसा लग रहा है नए सिलेबस आने के बाद, है ना, कौन कौन डांस कर रहा है सुबह, उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को यार यहाँ से ज्वाइन कर लेना, और सारे जगह पर ना फैला दो, वीडियो को शेयर कर दो, बता दो कि ज्ञानी कीड़ा में एक नई सीरीज लॉन्च होने वाली, नया कोर्स लॉन्च होने वाला है। कोर्स का मतलब नहीं कि पेड कोर्स, फ्री कोर्स लॉन्च, सब कुछ फ्री मिलेगा, टेंशन मत लो। कहाँ पर होगा, ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीज है, लग जाओ यार तैयारी पे, लग जाओ, ठीक है। अब सिलेबस आ चुका है, आपको पता कि आपकी मंजिल क्या है, क्या आपको अचीव करना है, इतने चैप्टर को लपेटना है, पढ़ो आराम से, कोई भी दिक्कत आती है हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। तो बस यही था, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।